ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ, तो ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक भी मुसलमान को ना मेयर दिया गया ना डिप्टी मेयर दिया गया, जबकि 35% आबादी जो है मुसलमानों की है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, 35 से 40%। और जो मौजूदा टीआरएस हुकूमत है ये खुद ये मुसलमानों के हमदर्दी का मुसलसल दावा भरते रही और बगैर मुसलमानों के हिस्सा लिए के ना तो तेलंगाना अलग होता था और ना मुसलमान वोट दिए के टीआरएस दो मरतबा इख्तदार पर आती थी। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि केसीआर साहब जो है हर उनकी जो हरकत होती है कहीं ना कहीं हिंदुत्व फोर्सेस को ताईद में या हिंदुत्व फोर्सेस को खुश करने के लिए किया जाता है। आज ये इसकी जिंदा मिसाल है कि जो डिप्टी मेयर का पोस्ट साबेखा में एक मुसलमान को बाबा फसीउद्दीन, चाहे वो नाम का मुसलमान रहो या काम का मुसलमान रहो, उसको दिए थे, लेकिन आज वो भी नहीं दिया गया। एक वेरी प्री प्लान तरीके से केसीआर साहब जो है, पहले केसीआर साहब ये किए थे कि मेयर के पोस्ट को बीसी वुमन रिजर्वेशन किए ताकि कोई मुसलमान वहां पर नहीं आना। उसके बाद में ये किए कि डिप्टी मेयर का पोस्ट भी जो है मुसलमान को नहीं दिए, बर्खास्त कर दिए। अब यहां पर केसीआर की जाफरानी चड्डी जो है ये बिल्कुल बाहर आ गई है, खुलेआम पर बाहर आ गई। अब रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जो बड़े बड़े दावे करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, पुराने शहर के तकारीरों में ये कहते थे कि शहर हमारा, मेयर हमारा, हम जिसको चाहे उसको लिटा सकते, तख्त पर हम जिसको चाहे उसको बिठा सकते। ये तख्त पे लिटाने की, लेटने की ताकत कहां गई? आज खुद तख्त पे लेट गए। तो मुझे वो जुमला याद आ रहा है कि ना खुदा ही मिला, ना इसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आंख मुंह मूछ के दुम दबा के जाके टीआरएस की ताईद कर दी आज मेयर और डिप्टी मेयर में। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खयादत से मेरा यह सवाल है कि टीआरएस जब तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था, जब 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया, आज 8 साल हो रहा टीआरएस इख्तदार पर आके, 7 और 8 साल हो रहा, आज तक 12% रिजर्वेशन नहीं मिला मुसलमानों को, क्या सूरत देख के आप मेयर में ताईद किए, डिप्टी मेयर में ताईद किए? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खयादत असदुद्दीन और अकबरुद्दीन अवाम के सामने जवाब देना चाहिए, खास तौर पर मुसलमानों को जवाब देना चाहिए। वक्फ कमिश्नरेट लाते बोले आज 8 साल हो गया, वक्फ कमिश्नरेट नहीं लाए, तेलंगाना में सैकड़ों करोड़ों रुपए के वक्फ के जायदादें तबाह हो गए। किशनबाग कम्युनल रायट्स में जो सरदारजियों से हुआ था, 4 मुसलमानों को गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर कमीशन बैठा था, आज की तारीख तक वो कमीशन की रिपोर्ट टेबल पर नहीं आई। वो खाती पुलिस के अहदेदारों को आज की तारीख तक जो है उनको इंसाफ नहीं मिला। और मुस्तफाउद्दीन जो आर्मी गैरिसन में जिनको मारा गया, वो आर्मी गैरिसन में आज की तारीख तक वो फौजियों को सजा नहीं मिली। आलेर एनकाउंटर में अदालती तहवील में 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। एनएचआरसी की रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर फेल हो गया। कम से कम उन 14 को इंसाफ दिलाने के लिए मजलिस की क्यादत जो है, मजलिस की क्यादत शर्त लगाना था कि हम मेयर डिप्टी मेयर में उसी वक्त पे हम तायद करेंगे टीआरएस की, अगर एनएचआरसी की रिपोर्ट जो आलेर एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए उन खाती पुलिस अहदेदारों को सजा देना और मजलूम जो 5 लोग मरे मुसलमानों के अफराद खानदान को इंसाफ दिलाना, वो भी नहीं किया गया। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद आज की तारीख तक अभी तक कुछ नहीं है, खाली वादे, जबानी जमा खर्च, ताईद में बयानात, उल्मा मशायखीन को ले जाना और सीएम के दरबार में जलील कराने के हटके और कुछ नहीं है। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई, असदुद्दीन ओवैसी अंबरपेट की तकरीर में बोले कि हम मस्जिद को नहीं भूले, तो आज टीआरएस की ताईद करते वक्त मस्जिद क्यों याद नहीं आई? कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद को शहीद कर दिए, आज तक वो मस्जिद का अमला ऐसा ही लटक रहा है। नारायणपेट में आशूर खाने को शहीद कर दिए, वहां का टीआरएस का जो सरबरा है, वहां का जो चेयरमैन है, खुद ठहर के पूजा करके आशूर खाने को शहीद किया, आज की तारीख तक वो आशूर खाने का कोई
मसला हल नहीं हुआ, तो आखिर क्या देखकर, क्या ले देकर मजलिस की खयादत कौन से वक्त की जमीन का मामला करके मजलिस की खयादत असदुद्दीन अकबरुद्दीन टीआरएस की ताईद की है, अवाम को जवाब देना चाहिए। आने वाले जुमे में मक्का मस्जिद में आइए, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आइए, जुमा नमाज के बाद में आप हलफ लेके बोलिए कि हम जो है टीआरएस के मेयर डिप्टी मेयर की ताईद बगैर कोई चीज लिए दिए कि हम करें बोल के आप आकर बोलिए। क्या आप डर के ताईद करें, क्या केसीआर साहब आपको ब्लैकमेल करके आपकी ताईद हासिल कर लिए, क्या कुछ ले दे के मसला करें? अब अवाम के सामने आएंगे असदुद्दीन ओवैसी, बोलेंगे कि मैं बीजेपी को दूर रखने के लिए मंजली टीआरएस को ताईद किया। फिर वो इलेक्शन में वो बातें क्यों कर रहे थे कि हमारा टीआरएस से कुछ ताल्लुक नहीं है? वो केटीआर कहां पर है जो ये कह रहे थे कि एमआईएम एक कम्युनल पार्टी है? वो मुमताज अहमद खान साहब कहां पर है ये कह रहे थे कि केटीआर अभी बच्चा है? अरे बच्चा तुम्हारे बड़े अब्बा को डरा के ताईद ले लिया, ये केटीआर बच्चा तुम्हारे सदर को असदुद्दीन ओवैसी को डरा के ताईद ले लिया। तो आज अवाम को समझना चाहिए केसीआर की साबिका गलतियों की वजह से बीजेपी को 44 सीट आए, 45 सीट यहां पर आए, और आइंदा मुझे ये डर है कि केसीआर का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी को परवान चढ़ाएगा तेलंगाना में, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस को वक्फे से एक नाक साम जैसा डस रही है वैसा डस रही है। आज टीआरएस के अखिलियती कायदीन को शर्म से सर नीचा करना चाहिए, अपने कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए कि एक पोस्ट जो डिप्टी मेयर का था एक मुसलमान को वो भी नहीं दिया गया। अब टीआरएस के अखिलियती कायदीन के लिए कोई जगह नहीं है, और वो जो डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर का होदा है वो भी आने वाले दिनों में जब रिशफल होगा तो वो भी जाने वाला है। केसीआर बीजेपी पार्ट टू बन गए हैं, और एमआईएम चाह रही है कि टीआरएस कमजोर होना और बीजेपी इख्तदार पे लाना, इनका जो प्लान है इसमें एमआईएम भी कामयाब हो रही है।